खाप चौधरी, वे खाप चौधरी नहीं होते हैं, वे सरकारी एजेंट होते हैं। आपने कई सालों से देखा होगा बहुत जगह खाप पंचायत फर्जी खाप पंचायत हो रही है, उनको लाल साफा बांधा जा रहा है। हमारे जो निशानी है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर हैं और हमारे राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर हैं, उसकी सफ़ेद पगड़ी होती है, किसी को किसी रंग की पगड़ी बांध करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से अनेकों ऐसे फर्जी खाप चौधरी बना दिए जो उनका गुणगान किया करते थे। लेकिन यह जागरूकता आज जिस महान इंसान ने हम सबको जगाया है, मैं भी अपने घर बैठा हुआ था, सेना से रिटायर हुआ था, लेकिन असली लोग आगे आएंगे, कुर्बानी देने का मादा वे पहले रखते थे, फिर भी देंगे। रही बात खाप पंचायतों की, खाप चौधरी वो चौधरी होता है जो देश की समस्याओं की आवाज़ उठाएगा, सरकार से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो ये देखता है किसकी सरकार है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक वोटर भी है, लेकिन वो समस्या के खिलाफ समाधान ढूंढ के भी बताता है और जनता के को हक दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा और हमेशा जनता के हित के लिए ऐसे बैठेगा करके। जो फर्जी खाप चौधरी होते हैं, साल अभी अधूरा है आपका, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कदमों में बैठ के उनकी आंखों की तरफ जो देख नहीं सकते, वे किसी आंदोलन में आएंगे नहीं, आएंगे तो वे पीछे से ऐसा ब्लैकमेलिंग करेंगे, जनता के सामने कुछ कहेंगे, अपने घर पे अपने भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी भ्रष्टाचारी सांसद को चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन जो महिला आंदोलनों के साथ जिनकी आत्मा जुड़ी है, किसानों की कुर्बानी के साथ जुड़ी है, अग्निवीरों के समर्थन में जुड़ी है, हमारे सैनिकों के साथ जुड़ी है, जो बेरोजगारी के साथ जुड़ी है, जो जाति और धर्म से नफरत करके भारत की एकता के लिए काम करते हैं, सर्व खाप पंचायत जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर, वे हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। उनको मरने से कोई पाकिस्तान की जय थोड़े बोल रहे हैं, उनके साथ तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, मार चुके हैं अपने हाथों से। नहीं, उनकी भी बोलना है, वो हमारे भाई ना से, हमारे मत नहीं, नहीं, अगर आतंकवाद की बात आएगी तो उनकी भी हम जो है अशी तशी कर देंगे, लेकिन वहाँ की आम जनता से हमारी कोई दुश्मनी है। दुश्मनी क्या है, व्यापार और उद्योगपति को का एक मिश्रण बन गया जो धर्म का घालमेल करके हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम व्यापारी भी ऐसे हैं जो हिंदुओं को उकसाने वाली बात करेंगे और हिंदू शब्द भी इस्तेमाल करते हैं केवल और केवल वोट पाने के लिए। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति नस्ल और फसल को बचाने के लिए, आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह सर छोटू राम नहीं है, जैन चौधरी जी अगर पलट गए हैं तो आज किसान मसीहा हमारे बीच में बुजुर्ग हैं। मैं ओनर कैप्टन विनोद कुमार डांगड़ खाप बागपत चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से हूँ। आपका सवाल था कुछ खापों के प्रति आपकी शंका थी, हम आज सहनशीलता का एक परिचय दे रहे हैं कि हमने जो मुगलों के साथ कुर्बानी दिया है, अंग्रेजों के सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज भारत में भारत की सेना हमारे ही बच्चों की सेना है, पुलिस में हो या सेना में हो वे सब हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सहन करते जाएंगे। सारे खुडा लाइन लाऊ नाले हम से दोगले से कति दोगले नेता तो आप बना रहे सुनने जनता ना बना दी जब तक ओ हो चल उन्नी कोई कराएगा अपना प्रोग्राम तो उसने आई जेक कर लेगा, पहचान लिया उन्होंने मुझे। मैं डरूंगा नहीं, मैं राकेश टिकैत जी से भी निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, जनता आपको पहचान चुकी है राकेश जी, नरेश जी मेरे क्षेत्र के हैं, आपने कह दिया मेरे क्षेत्र के हैं, आप खुलेआम पूरे भारत में किसानों की आवाज उठाते हैं, तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के खिलाफ आप प्रचार नहीं किया तो आपको भी लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट समझते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम उसको घर भी जाकर कह सकते हैं, इज्जत से भी कह सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर राकेश के नरेश के सच्चे किसानों के हमदर्द हैं
तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में करने के साथ साथ पिछले 22 अप्रैल को ममता चौधरी हमारे खाप चौधरियों का सम्मान कर रही थी, उनको कानून के रूप से नोटिस मिला। हमारे आदरणीय ये है किसान मसीहा, उस लड़की को शायद इनकी उम्र की थी वे, उनको घर जा कर के कहा नहीं बेटी आप सम्मान हमें क्या करोगी। उनके दिल में आके महिलाओं के प्रति सभी खाप चौधरियों ने साथ दिया, भूखे बैठे रहे, लठ खाया। बुजुर्ग खाप चौधरी जो को काम एक प्रशासन का था, शासन का था, शासन को जगाने के लिए, सोती हुई सरकार को जगाने के लिए खाप चौधरी आ गए। वहाँ पर जा कर के ये उनके घर पे जाकर उसी मुजफ्फरनगर में किसान भवन चौधरी चरण सिंह भवन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और फर्जी खाप चौधरियों के भी नारे लगाए, उस लड़की को सम्मान दिया और उनको अभी तक हमारे हरियाणा को छोड़ कर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश में महिला खाप नहीं चौधरी नहीं है, सर ने प्रक्रिया चालू की है कि महिला को भी हम खाप चौधरी बनाए। एक कौन कहता साथ में नहीं तो वो ट्रैक्टर लेकर आते हैं। तो आप जो मीडिया है क्या आप निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं? क्या मेरी न्यूज दिखाएंगे? आपके टीवी चैनल 99% धर्म की बातें दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बातें दिखाते हैं। जी कहां से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी फसल इस देश को बताने का चुनाव है ये। और इसके लिए जब एक प्रधानमंत्री और ये बात कह रहे हैं एक राष्ट्रपति के लिए अपने से उत्पत्त में बैठी हुई के लिए, मतलब काली चमड़ी वाली थी, मतलब बोलने की तहजीब नहीं, बात करने की तहजीब नहीं। और राष्ट्रपति मुर्मू जी महोदय भी पता नहीं आंखों पर मुंह पर कैसे पट्टी बांधे बैठी है, दिखाई नहीं देता है। सारी जनता को दिखाई दे रहा है, सारे भारतवर्ष को दिखाई दे रहा है, सारे वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति महोदय का नहीं पता इस चीज का। अरे आप तो अपने मूल निवासी हो भारतवर्ष के, ये तो यूएस ही है, ये तो है ही नहीं, तो भारतीय है। पर फिर भी बस कब्जा करने के लिए इलेक्शन कमीशन जब अमृतकाल की खीर खा चुके तो ये धंधे करेंगे, ये मुसीबत करेगी, ये ना माने किससे की धक्काशाही होगी। अब तो जनता करेगी इसका इलाज, बाकी टाइम आएगा सारा। इन मशीनों का भी कुछ एक चीज प्रता साहब ने बताई है, क्योंकि मैं प्रजाजी सर भी रह लिया, रिटर्निंग ऑफिसर भी रह लिए, हमने ये सारे धंधे देखे इन मशीनों के, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं किसी के में। ये तो जिस इंजीनियर ने बताई है, जिसके पास कोड है, उनके हाथ में है। और क्या है ये, चार फैमिली भारतवर्ष की नहीं, जो उत्तरी भारत की, ये टुकड़ा है, तो देवलाल आ रहे बात, मतलब देवलाल ने कराया सब कराया, जनता ने उसका एहसान कराया, अरे तो मेरे पे अपने हिसाब जता रहे थे। और दूसरा का अगला का चरण से वाला का देख लिया, ईद तो भाई सिद्धि पादरी बात से जनता ही कराएगी, पार्टी टूटियां कोई भरोसे नहीं। राम राम। प्रधानमंत्री मोदी जी डेली हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो गया, इसलिए आप सर्वोच्च पद पर हो प्रधानमंत्री भारत के, आप अपने भाषण में विकास का मुद्दा, जनता की को शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क मिलनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं, हमारे रोजगार पर चर्चा नहीं है। डेली प्रतिदिन आते हैं टीवी पे, हिंदू मुसलमानों से सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों ने ये कर दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और चुनाव आयोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, चुनाव आयोग को तो प्रधानमंत्री का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकते, प्रधानमंत्री धार्मिक आधार पर वोट मांग रहा। और चुनाव आयोग अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से गड़बड़ करा रहा है, ईवीएम में तो है ही, प्रशासन भी गड़बड़ करा रहा है। और देखा गया है जगह जगह जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें वोट नहीं डालने दे रही, और अन्य जैसे दूसरे समाज है, यादव समाज है, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया, कहीं जगह बहुत निंदनीय है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर के FIR दर्ज करानी चाहिए। और जो प्राचा साहब का आह्वान है 11 तारीख को पटियाला कोर्ट हाउस में, तो मेरा सभी खाप पंचायतों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि खाप पंचायतें प्रजातंत्र का मानने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली है। और जितने भी खाप चौधरी हैं, मैं बाबा प्रेमेंद्र आर्य सोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी, सभी से निवेदन करता हूँ प्राचा साहब के साथ आए और लोकतंत्र को जिंदा रखें और इस भारत देश को बचाए। नहीं तो ये जो अपना खाप चौधरी धनखड़ साहब ने बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको लागू करेंगे, उसमें ना जाने कितने नागरिकों की हत्या की जाएगी और देश में अराजकता फैलेगी। धन्यवाद।